सो ओके गाइस, स्वागत हो चुका है आप लोगों का मेरी आज की ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोग गए थे चिल्लेट से बॉस फाइट करने के लिए। तो हम लोगों ने उसको कैसे ना कैसे करके भाई पकड़ लिया था एंड उसको हम अपने बेस के अंदर लेके आ गए थे। एंड भाई आज जो मैं करने वाला हूँ ना, आज भाई अपने बेस को थोड़ा सा अपग्रेड करने वाला हूँ, थोड़ा सा जो है ना उसको रीबिल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि अपना बेस भाई बिल्कुल पता नहीं चलता कहाँ तक है और बहुत ज्यादा गंदगी फैल जाती है। तो आज मैं वही करने वाला हूँ, देखूंगा कि अगर कहीं और अगर बेस मेरा बन पाएगा तो वो बनाऊंगा, नहीं तो उसी को बिल्ड कर देंगे। तो चलो यार, तुम लोग वीडियो में बने रहो एंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। ओके तो गाइज, मैं अपने वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ यहाँ पे और भाई देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा वर्ल्ड। ये है मेरी मतलब मेरा बेस है बेसिकली ये तो। एंड मैं एक मिनट यार, यहाँ पे मेरा वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड कह रहा हूँ मैं, ये मेरा बेस यहाँ से कैसे टूटा पड़ा है? यहाँ मेरा बेड लगा हुआ था, ये किसने तोड़ दिया पता नहीं यार, कैसे टूट गया? मैंने तो तोड़ा नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पे टूटा पड़ा यार। ये देखो इतना सा पार्ट रह रखा है बस। यार कोई नहीं गाइज, आज हम लोग चलने वाले हैं कहाँ पे पता नहीं, देखेंगे आज हम लोग। एक मिनट, वो कैसे करते हैं डॉज, कैसे अच्छा ऐसे करते हैं डॉज। ओके, मेरे को काफी सारी चीजें सीखनी है तो मैं सीख रहा हूँ। एंड मैं सोच रहा हूँ ना क्यों ना हम अपना ना बेस वगैरह चेंज भी कर दें इसी के साथ। चलो देखते हैं बेस चेंज करना है कि नहीं करना आज। ओके मेरे को भूख लग रही है, दो मिनट बाद ये बैरीज हो जाएंगे, इसको ये खिला देता हूँ ना। तो गाइज मैंने स्ट्रीम पे काफी सारी चीजें कर दी थी एंड मैंने ना मैप भी ये जो है इतने ढूंढ लिए हैं। तो वैसे मेरा ना 15 लेवल कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो आप 15 लेवल तो कंप्लीट हो चुका है मेरा। तो मैं सैडल बना सकता हूँ अपने नाइट विंग का, तो मैं ना आज नाइट विंग का पहले सैडल बना लेता हूँ ताकि मैं ना और चीजों को एक्सप्लोर कर सकूँ उड़ उड़ के। तो नाइट विंग का सैडल बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अच्छा टेक्नोलॉजी में जाके मेरे को अनलॉक भी तो करना पड़ेगा ना। तो नाइट विंग का सैडल चिल्लेट का भी सैडल है भाई यहाँ पे। तो ये रहा भाई नाइट विंग का सैडल, मैंने अनलॉक किया और ये मॉनिटरिंग स्टैंड करके कुछ है और ये मेल और वीट प्लांटेशन, ये सब चीजें अनलॉक करने का आ रहा है। पर मैं सोच रहा हूँ ना कि बेस में कहीं और बना लेता हूँ, उसके बाद वहाँ पे अनलॉक करूंगा, पहले मैं नाइट विंग का सैडल बना लेता हूँ। नाइट विंग के सैडल के लिए क्या क्या लगेगा? ठीक है मेरे को लगेगा नाइट विंग के सैडल के लिए लेदर लगेगा 20, कॉटन लगेगा मतलब क्लॉथ लगेगा, इंगट लगेंगे 15 इंगट लगेंगे भाई। तो मेरे को इन सब तीनों चीजों की जरूरत होगी, तो पहले मैं लेदर को इकट्ठा करता हूँ। लेदर किससे आएगा? तो गाइस मैं दूसरी तरफ आ गया था, ये रैने करके कोई टावर है, रायने करके टावर इधर की साइड में आ गया हूँ मैं और मेरे को यहाँ पे कुछ पॉकीमोन्स को मारना पड़ेगा ताकि मेरे को लेदर मिले। इसको मार के देखता हूँ, अगर इसको मार के अगर लेदर मिलता है तो ठीक है। ओके इसको मार के यार वूल मिल रहा है यार, मेरे को लेदर चाहिए कोई से वैसे, मतलब अगर मैं किसी डियर को भी मारूंगा ना उससे मेरे को लेदर मिल जाएगा, अगर मैं इसको मारूंगा तो इससे क्या मिलेगा मेरे को तो ये भी नहीं पता। ओके अपने डियर को भेजता, अभी ये क्यों चला गया? चलो कोई नहीं यही लड़ लेगा छोटा छोटा। अबे यार तीन अटैक एक बार में मांग रहा है यार, पेंगुलेट इससे भी कुछ नहीं मिला, इससे तो आइस अटैक वगैरह कुछ मिला है ऐसे ही। लेदर के लिए मेरे को ना वही पकड़ने पड़ेंगे जो होते हैं ना लेदर के लिए, मेरे को जैसे मेरा ये डियर है ना उस ऐसे डियर को पकड़ना पड़ेगा, उनसे मेरे को अच्छा खासा लेदर मिलेगा। तो मेरे को तीन लेदर और चाहिए, उसके बाद कॉटन तो मेरे पास है, कॉटन से तो हो जाएगा क्लॉथ से। मेरे को अभी फिलहाल के लिए तो बस वही ढूंढना है, डियर कोई मिल जाए उससे लेदर मिल जाएगा, इससे भी यार मेरे को लेदर नहीं मिलेगा। मेरे को कोई वैसा पॉकीमोन ढूंढना पड़ेगा यार, बट इसको मारना पड़ेगा। अबे भाई हट, अबे भाई हट, मर गया। मिला क्या लेदर यार? लेदर नहीं मिल रहा यार, अपने पास सब कुछ मिल रहा है पर लेदर नहीं मिल रहा, खाने पीने को मिल रहा आइटम बस, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं इसको भी खिला देता हूँ अपने डियर को ही। आज कैसे भी करके ना मैं भाई बना के रहूंगा शेडल, एक बार डियर दिख जाए ना मेरे को, डियरों को मार के तुरंत अपना वो बन जाएगा। बाकी सारा अपने पास आइटम पूरा है, बाकी यहाँ पे गुफा वगैरह भी बहुत सारी है। यही दिक्कत है ना, मैं नाइट विंग का सैडल ही इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि यार अपने को ना उड़ के एकदम बढ़िया से ट्रैवल कर पाएंगे। फिर ये क्या है, इसको मार सकता हूँ क्या? अरे इसको मारने से शायद लेदर मिल सकता है, इसको मारता हूँ मैं, दो बंदे हैं खैर कोई बात नहीं। ओ भाई नहीं 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 नहीं, चलो भाई पंगे ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अबे नहीं यार गलत चले जाता, मैं गलत क्यों चले जाता हूँ? ओके लेदर मिला गया, लेदर मिल गया भाई, लेट्स गो भाई, एक लेदर मिला अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको भी मार देते हैं। ओके मरा यार, इससे तो अपने को कुछ मिला ही नहीं, स्टोन क्यों मिल रहा है? स्टोन को पहले हटाता हूँ यहाँ से। अपने को ना एक लेदर और चाहिए, यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे किसी ना किसी को। वुल भी मिल रही है, वुल भी ले लेता हूँ। और मेरे को पॉकीमोन ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे यार एक और, जिसको मार के ना मैं लेदर ले सकूँ। यहाँ पे मैं आ रखा हूँ, लाइव स्ट्रीम पे आया था मैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे डायर आउल है, इनसे मिल सकता है मेरे को लेदर, मार दूँ क्या इनको? ओके मेरे इसकी एचपी पहले मैं बढ़ा देता हूँ। खा ले बेटा पहले तो कुछ, ठीक है इसको खिला देता हूँ पहले कुछ और खुद भी खा लेता हूँ। ओ भाई फालतू में आ गए भाई लड़ने, भाई फालतू में लड़ने के लिए आ गए। हट हट भाई, हट भाई, बिल्कुल भी हेल्थ नहीं है इनकी, किसी दिन के नहीं है ये साढ़े। मरा 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 मरा, लेदर मिल गया भाई अपने को, लेदर मिल गई, लेदर मिली है कि बोन मिली है? लेदर मिली है गाइस, लेट्स गो। अबे यार इसको हटाना पड़ेगा पहले, इसको तो मैं इससे मारूंगा। अबे यार हट हट, मरा नहीं मरा, अबे नहीं मरा, मेरी हेल्थ कम हो रही है भाई।
चलो ठीक है गाइज, मेरे को एक और लैदर मिल चुकी है, अब मेरे को फटाफट से अपने बेस पे जाना पड़ेगा। ओके तो गाइज यार मैं पहुंच चुका हूँ वापस अपने बेस पे यार, फटाफट पहले तो मैं अपना बेड लगाता हूँ। बेड भी क्या ही लगाऊं यार, नहीं लगा पाऊंगा बेड यार, काम करता हूँ मेरे पास लकड़ियां तो है ही, मैं बेड लगाने के लिए पहले तो कुछ बनाता हूँ। तो गाइज मैं भी नॉर्मली एक ना छोटा सा बेस बना दे रहा हूँ जिससे कि ना मैं सो पाऊँ, ऐसे थोड़ा मोड़ा छत लगा के बेड बना दे रहा हूँ। इतना कुछ करना पड़ता है भाई बेड, एक तो मेरे को पता नहीं कि मेरा बेड कैसे टूटा है, ऊपर से ये अलग दिक्कत दे रहा है कि ये लाओ वो लाओ, अद है भाई मतलब। अब लो अब और धीरे चलेगा क्या? ओके तो मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, अब मेरे को फटाफट से यहाँ पे बेड बनाना पड़ेगा, लेट्स गो भाई। सारा काम अकेले करने पड़ रहा है, ऐसे करते करते ना सुबह हो जाएगी और भाई हो गया मेरा तो भाई मैं सो लिया। फिर हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है यार सोने के लिए यार, सारे पॉकेमॉन देखो आराम से सो रहे हैं और इकलौता काम मेरे को करना पड़ रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो इतना कष्ट हो रहा है मेरे को। तो भाई फाइनली अपना बेड बन चुका है, फटाफट मैं सो जाता हूँ, उसके बाद अपना सारा सामान यहीं पे पटकूंगा। तो गाइस ये सो ही नहीं रहा भाई मेरा कैरेक्टर, क्योंकि सुबह ही हो चुकी है, बेकार में मैंने बेड बनाया। ओके खैर कोई बात नहीं अपना। तो गाइस मैं अब बनाऊंगा अपना नाइट विंग का सैडल भाई जल्दी से, बस मेरा ना रहा नहीं जा रहा नाइट विंग के सैडल के लिए, उसको तो मैं फटाफट एकदम फुर्ती में बनाना चाहता हूँ। बाकी मेरे पास यहाँ पे क्लॉथ ये रहे, ठीक है बाकी ये रहे, इतने सारे वूल आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है ओके। क्लॉथ भी तो बनाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा भाई। ओके तो गाइस यार मैं दोबारा से आ चुका हूँ यार, मेरी गेम जो है क्रैश हो गई थी पता नहीं क्यों, एंड मैं फटाफट से बना लेता हूँ अपने वुल। भाई यार वो जो तुम देख पा रहे हो ना सामने जो बर्फीली पहाड़ी है, आज भाई मैं देखता हूँ मैं वहां तक अगर जा पाया ना तो वहां पे भी जाऊंगा, वहां पे भी एक टेलीपोर्ट का है एंड बहुत सारे पॉकीमोन भी हमको ढूंढने हैं, तो भाई हमको यहाँ से टूर करेंगे एंड अपना बेस कहीं और बनाने वाले हैं यार हम, ठीक है देखते हैं कहाँ बनाएंगे अपना बेस यार, यहाँ पे तो नहीं बनाएंगे, बहुत छोटी सी जगह है अपना बेस जो है, बहुत बड़ा बनाना है अपने को। एंड फाइनली मेरा जो यहाँ पे क्लॉथ बन चुका है, अब मैं फटाफट चलता हूँ अपनी सैडल बनाने के लिए, लेट्स गो यार यहाँ पे फाइनली हमारी सैडल बनेगी अब। ओके गाइस तो मेरा यहाँ पे भाई पूरा सैडल बन चुका है यहाँ पे भाई, मेरा नाइट विंग का सैडल बन चुका है, मैं फटाफट से नाइट विंग के अंदर लगाता हूँ यार। नाइट विंग में वैसे लग गया होगा, नाइट विंग कहाँ है भाई मेरे, ये रहा नाइट विंग को मैं फेंकता हूँ, अबे नाइट विंग थोड़ी फेंक रहा हूँ मैं। ओके अब मैं राइड कर पाऊंगा भाई नाइट विंग पे फाइनली। गाइस यार मैंने देखो सैडल बना दिया और नाइट विंग को देखो कंट्रोल कैसे करना है, ये काम करता हूँ मैं फटाफट से ना, पहले अपने जितने भी सामान है ना उसको रिपेयर मार लेता हूँ, डन भाई। और अपना बेस ढूंढने के लिए चलते हैं, वहाँ पे अपना बेस बना देंगे। बेस बनाने के लिए मेरे को तो क्या क्या चाहिए होगा, एक मिनट मैं देखता हूँ। ये बनाने के लिए मेरे को चाहिए पैल्डियम चाहिए, एक वुड चाहिए, स्टोन चाहिए, तो मेरे पास वुड और स्टोन दोनों है। मेरे को बेस बनाने के लिए ये सारा आइटम चाहिए तो मैं ना रख लेता हूँ अपनी चेस्ट के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ से पैल्डियम ले लेता हूँ, पैल्डियम तो होगा मेरे पास में, बाकी और पैल्डियम भी बनने के लिए रख दूंगा मैं। एक मिनट भाई पैल्डियम कहाँ चले गए, पैल्डियम क्यों नहीं दिख रहे भाई यार, इधर से मशीन से बनाना पड़ेगा लग रहा है मेरे को पैल्डियम। काफी सारे गाइस मेरे पास ना यहाँ पे अंडे भी आ चुके हैं, अंडे बनाने वाली जो मशीन है ना वो भी मेरे को अनलॉक करनी पड़ेगी, अभी तक मैंने अनलॉक नहीं करी है, मेरे पे अनलॉक का ऑप्शन आ गया बट मैंने अभी करी नहीं, क्योंकि ना मैं न्यू बेस बना लेता हूँ तो वहाँ पे शायद मेरा पैडलियम बन गया होगा इतनी देर में। ओके अभी नहीं बना, बन रहा है अभी, तो ठीक है मैं चल रहा हूँ इधर की साइड में, इधर ही करूंगा सीधे। तो गाइस वेलकम हो चुका है आप लोगों का न्यू लोकेशन पर भाई, तो मैं जो बनाने वाला हूँ ना, ये क्यों मेरे पीछे पड़ गए, अबे ये मेरे पीछे क्यों पड़ गए भाई, नाइट विंग को निकालू क्या, अच्छा नाइट विंग, अबे हट यार क्या ही कर लोगे तुम, मेरे को यहाँ पे नहीं बनाना अपना बेस, मेरे को अपना बेस कहीं आगे बनाना है। ये देखो ये रही खाली जगह, इधर बनाना है मेरे को अपना बेस, ये भाई ये तगड़ी जगह है भाई, देख रहे हो तुम लोग कितनी बढ़िया जगह है, मतलब एकदम इधर देखो इधर एकदम पहाड़ वो पेड़ पेड़ से हैं कलर वाले और इधर एकदम खाली जगह, ये जगह एकदम परफेक्ट है मेरे लिए, मैं यहीं पर बनाऊंगा। अबे यार ये सिंडिकेट्स कहाँ से आ गए यार, मेरी शील्ड तोड़ दी इसने। ओके तो गाइज यार मैं यहीं पर कर रहा हूँ भाई, वो लोग से तो लड़ाई हो गया भाई यार, ये यहाँ पे क्यों है भाई, क्या कर रहे हैं यहाँ पे डाई राउल्स फालतू में लड़ रहे हैं मेरे से। एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं अपना पहले तो पाल बॉक्स बनाता हूँ। कैन नॉट बिल्ड मोर बेस इंक्रीज द लेवल ऑफ योर गिल्ड बेस, भाई मैं अपना बेस क्यों नहीं बना पा रहा, मैं अपना बेस क्यों नहीं बना पा रहा भाई यार, इतनी बढ़िया जगह है बेस बनाने के लिए। तो गाइज यार मैं अपने बेस पे वापस आ चुका हूँ यार, पता नहीं क्यों मेरा बेस अभी बन नहीं पा रहा, लेवल का कुछ इशू आ रहा है, शायद मेरे को ना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। एक बार तुम लोग कमेंट करके बताओ कि क्या क्या करना पड़ता है, एंड अभी मेरा लेवल जो है वो 15 ही है, ठीक है अब देखना पड़ेगा कैसे हुआ वो चीज़। बाकी मैं एक काम करता हूँ मैं अनलॉक कर लेता हूँ जो एग जो होता है ना, एग तोड़ने वाला बनता है मतलब जिसमें एग रखते हैं हम लोग, तो इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ फिर इसको बनाते हैं हम लोग फटाफट से। इसके लिए चाहिए मेरे को पैल्डियम चाहिए 10 और 5 क्लोथ चाहिए, तो मैं फटाफट से पैल्डियम बनाने के लिए रख देता हूँ। ओके मेरे को यहाँ से जाना दूर रहना पड़ेगा यार, बार बार ये जो है ना लकड़ियाँ उड़ जाती हैं, तो मेरे को 10 पैल्डियम चाहिए, ठीक है 2 अभी हमारे बन चुके हैं मतलब आधे तो बन चुके हैं, क्लोथ चाहिए तो मैं क्लोथ बना लेता हूँ जब तक यहाँ पे नहीं, यहाँ से थोड़ी बनेगा क्लोथ, यहाँ से बनेगा। अगर ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता ना बेस तो मैं इसी को बना लेता अच्छे से, पर ये एक्सपेंड नहीं हो रहा और इसके अंदर देखो पेड़ ना कहीं पर भी आते रहते हैं, मैंने लास्ट टाइम यहाँ से वो वहाँ पे वो लगा दिए थे वुड लगा दिए तो वहाँ पे पेड़ नहीं आ रहे हैं। मेरे को या तो एक और काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी पूरे में वुड लगाने पड़ेगी ऐसे करके प्लैंक, तो पेड़ नहीं आएंगे, तो मैं खैर अभी मैं वही करूँगा फटाफट से। यहाँ से पहले एग इक्यूबलेटर बना देता हूँ, इनक्यूबलेटर जो भी नाम है भाई, भूख लग गई खाने का, एक तो इतनी बड़ी दिक्कत है। ओके रेड पड़ गई गाइस हमारे उस पर, रेड पड़ गई यार, नहीं पकड़ सकता किसी पोकेमॉन को, पकड़ नहीं सकते क्या,
बड़ी छोटी सी रेड थी यार, ये तो बड़ी जल्दी खत्म हो गई यार, मैं खाना ढूंढ रहा था उतने में खत्म भी हो गई। सही है भाई, अपने जो पोकेमोन है वो काम पे लगे हुए हैं, ठीक है। क्लॉथ तो बन चुके हैं अपने, एंड यहाँ से पैडलियम भी बन चुका है फाइनली गाइस। चलो ठीक है, पैडलियम भी हो गया, क्लॉथ भी हो चुकी है। अब अपने को अंडा अपना जो अंडे रखने वाला है ना वो बनाना है, तो मैं अंडे रखने वाले को काम बना लूँ, यहीं बना लूँ क्या, यहाँ बना लेता हूँ यहीं पे यार, इसमें रख लेते हैं हम, यहाँ पे बनाते हैं इसको फटाफट से। तो जो जो मैं अंडे कलेक्ट करके लाया हूँ ना, वो सारे अंडे इसके अंदर रखे जाएंगे, वो फूटेंगे, उसमें से एक पोकेमोन निकलेगा, देखते हैं क्या होता है अभी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अंडा रखता हूँ ये वाला, इसको लगेगा भाई 9 मिनट लगेगी इसको। मैं एक और बना लूँ क्या भाई, देखो मैं अगर मैं एक और बना सकता हूँ, पर वही है कि मेरे को और आइटम लगेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे मैं एक और अंडा रख देता हूँ अपना जो मैं लेके आया था अभी। इस अंडे का क्या, मैं डार्क एग, इसको हम डार्क एग भाई, ये 4 मिनट लेगा और ये 7 मिनट लेगा, देखते हैं भाई क्या निकलेगा इन दोनों अंडों में से, क्या निकलता है भाई देखते हैं अभी। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, मैं फटाफट से पहले तो यहाँ से सारी लकड़ियाँ उठा लेता हूँ, और मैं सारी लकड़ी को डाल देता हूँ इसके अंदर चेस्ट में, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या कि मैं यहाँ से तोड़ने वाला हूँ, मैं इसकी जगह जैसे यहाँ पे पेड़ उग जाता है ना, तो उसकी जगह मैं लगाऊंगा यहाँ पे वुड वाला लगा दूंगा, एकदम बिछा दूंगा पूरे में लकड़ियाँ। ओके, तो गाइज यार मैंने बना तो दिया इतना, एंड मैंने एक काम करता हूँ, सारे के सारे यहाँ पे वुड निकाल के रख देता हूँ, है ना, वुड और स्टोन जितने भी यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ मैं, बस मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि पूरा एकदम स्टोरेज भरा पड़ा है मेरा। अब मैं इसके ऊपर बनाऊंगा जो भी चीज़ मेरे को बनानी होगी ना, जैसे कि ओके, तो मैं यहाँ पे वेरी प्लांटेशन मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसके साथ में ही। ओके डन, बेरी प्लांटेशन को बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, सब लोग लग जाते हैं काम पे। इस पूरे को मैं ना इससे कवर कर दूंगा, एंड इसी के ऊपर सब कुछ करूंगा मैं। तो हमारा बेरी प्लांटेशन डन हो चुका है, इससे क्या हमारा लेवल भी बढ़ जाएगा। और मैं काम करता हूँ, मेरे को यहाँ से और भी चीज़ खाली करनी पड़ेंगी, काम करता हूँ मैं इसको यहाँ से हटाया, हटो यार इतना धीरे धीरे चलोगे कैसे काम चलेगा भाई, तुम्हारे खाने की चीज़ ही बना रहा हूँ। ओके डन भाई, यहाँ पे एक और मैंने बना दिया है बेरी प्लांटेशन, ये दोनों साथ में रहेंगे। एंड मैं इसके पीछे बना देता हूँ माइनिंग एरिया, रखना पड़ेगा मेरे को इधर कहीं, देखो इधर बना देता हूँ माइनिंग का, एंड वहाँ से मैं वहाँ से भी हटा देता हूँ पूरा। वुड के लिए मैं सोच रहा हूँ ना मैं इधर की साइड भी बना दूँ, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसके लिए तोड़ना पड़ेगा ये। ओके, तो मैं इसको तोड़ता हूँ फटाफट से भाई, आज तो पूरा मतलब ना कचरा होने वाला है, सब जगह सब चीज़ तोड़ रहा हूँ भाई मैं, मेरा पूरा बैग भरा पड़ा है इस टाइम पे यार, पूरा का पूरा बैग भरा हुआ है मेरा। इसको मैंने यहाँ पे एक और लगाया, तो मेरा जो अपना वुड का बनाने वाला हूँ ना, जो मैं क्या कहते हैं उसको, एक मिनट देखता हूँ नाम यार सबके, मेरे को नाम भी देखने पड़ेंगे। तो लॉगिंग साइट जो है ना अपनी, वो यहाँ बनने वाली है, ठीक है। ओके, तो लॉगिंग साइट का मैं मुंह करूँगा इस तरफ ना, मैंने उसका मुंह उस तरफ कर दिया, खैर कोई बात नहीं है, लॉगिंग साइट में हमारी यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे बनने के लिए रख दिया हमने। अब ये जितने मेरे जो कबाड़े फैले पड़े हैं ना, इसको भी मेरे को सही करना पड़ेगा, मैं पूरे को सही करूँगा एकदम, जितने भी हर एक चीज़ है ना यहाँ की, हर एक चीज़ सही करूंगा मैं। ओके, तो गाइस यार काफी ज्यादा सही हो चुका है हमारा बेस अभी तक, तो मतलब पहले कितना गंदा दिख रहा था, अभी थोड़ा सही भी दिख रहा है। मैं यहाँ पे और भी चीज लगा दे रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया, एक मिनट मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा दोबारा से। अब देखो हमारे यहाँ पे स्टोन माइनिंग हो चुका है, यहाँ पे एरिया अपना लॉग माइनिंग वाला एरिया हो चुका है। अब इनको ना ये जो फालतू के पेड़ है ना, इनको तोड़ने की जरूरत नहीं है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ से भी इसको तोड़ता हूँ, एंड इसको हम लोग तोड़ते हैं पहले, तो तू उठ यहाँ पे। इनका बेड का भी एरिया मैं अच्छा सा वहाँ पे बनाऊंगा पूरा प्रॉपरली, उससे पहले मेरे को चेस्ट में देखना पड़ेगा, चेस्ट में क्या है यहाँ पे, चेस्ट पे भाई वुड ही है, ठीक है। अब इस वुड को मेरे को ना यहाँ से बनाते हुए लाना पड़ेगा, वेट। ओके, तो गाइस यार मैंने काफ़ी सारा एरिया तोड़ दिया अभी के लिए, मैं इसको फटाफट से यहाँ पे लगाता हूँ, जिससे हमारा जो एरिया है वो परफेक्ट बन सके एकदम। गाइस अब देखो मैंने ना इतना बना लिया है यहाँ पे, पहले मैं ना सो के आ जाता हूँ, सारा सामान को ड्रॉप कर दूँगा नीचे। नहीं, एक काम करता हूँ मैं फटाफट से ना यहाँ पे चेस्ट बना लेता हूँ, और यहाँ पे बना रहा हूँ मैं अलमारी। अलमारी नहीं बनेगी, नेल चाहिए होगी उसके लिए, कोई बात नहीं, चेस्ट ही बना लेता हूँ, अलमारी को हम बाद में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। ओके, तो गाइस यार सुबह हो चुकी है, और अब आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है बेस, है ना, अब अच्छा लग रहा है। पहले कितना गंदा सा एकदम सामान फैला पड़ा था सब जगह पे, लेकिन अब एकदम बढ़िया हो चुका है। अब पर मेरे को एक और चीज़ करनी पड़ेगी, जो है कि मेरे को टोकरी बनानी पड़ेगी फूड वाली। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे बनाने के लिए रख देता हूँ, इसको मैं रखूँगा यहाँ पे पीछे रख दूँ कि यहीं रख दूँ, यहीं रख देता हूँ एक टोकरी बीच में एकदम, है ना। ओके डन, यहाँ पे बना लेंगे ये ऑटोमेटिक अपने आप, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को सारे के सारे यहाँ पे वो लगाने पड़ेंगे, जो भी मेरे आइटम थे ना वो सब आइटम लगाने पड़ेंगे। बाकी हमारा वहाँ पे अंडा बन चुका है क्या, दोनों अंडे, वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी। तो कहीं यहाँ पे दोनों अंडे बन चुके हैं, इनको फोड़ेंगे हम लोग बाद में। अभी उसके लिए मेरे को पहले यहाँ पे जाके इन सब चीज़ों को भी तोड़ना पड़ेगा, जैसे कि इसको मैं अभी तोड़ूंगा, ये तोड़ा मैंने, एंड ये तो यार ये तो हटेगा नहीं यहाँ से, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और बाकी सब चीज़ तो हो चुकी है अपनी, ठीक है। वहाँ पे मैंने चेस्ट का एरिया बना दिया, यहाँ पे हमारा जो है एकदम साइट बन चुकी है, लॉगिंग साइट और स्टोन साइट, यहाँ पे हमारे जो पैल्स वगैरह वो सब तोड़ा करेंगे। एंड मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इसको पैल बॉक्स को इधर, मतलब पैल को यहाँ बना सकता हूँ क्या, अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो इसको मैं बना सकता हूँ, मेरे को पता नहीं भाई, इसको मैं अगर तोड़ दूंगा तो बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं चेक करके देख लेता हूँ कितनी चीज़ें बनते हैं, सब चीज़ें मेरे पास में, कोई दिक्कत नहीं, बना दूंगा मैं।
ओके तो मैं इसको तोड़ रहा हूँ भाई, ठीक है। अब भाई मेरे को पता नहीं बनेगा नहीं, बाकी सब चीज़ देख लेंगे। स्ट्रक्चर नॉट प्लेसेबल बेस जिससे भाई पाल जो है वो सारे के सारे डिसअपियर हो जाएंगे, इसलिए वो मैं नहीं हटा सकता यार। ये दिक्कत गलत हो गई भाई, कैसे करूँ मैं इसको? अब मेरे को भाई यहीं से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कि मैं क्या करूँगा। यहाँ से कुछ लगा सकता हूँ क्या? पर ये चीज़ बेकार लग रही है भाई मेरे को बहुत ज़्यादा, कसम से बताऊँ ये इतना एरिया बहुत बेकार लग रहा है अगर नहीं बन पा रहा तो। ओके तो मैं फटाफट से इसको भी तोड़ता हूँ एंड इसको भी तोड़ता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से बनाते हुए आता हूँ, इसके आसपास नहीं बन पा रहा, जो हमारा पाल बॉक्स है ना उसके आसपास नहीं बन पा रहा। खैर कोई नहीं, मैं इतने एरिया में बना दे रहा हूँ। अबे यार नहीं बन पा रहा क्यों भाई? अच्छा नहीं लगेगा भाई फिर अगर मैं ऐसे बनाऊँगा तो। मेरा इतना कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से मेरे को लेना है, ऐसे करके बनाते हुए सब कुछ चलना है। भाई कितना बढ़िया बनते हुए जा रहा है ना, ऐसे एकदम ऐसे ही तो बनाना था मेरे को प्रॉपर। नया वाला बेस भी बनाएंगे ना, वो अच्छे से बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो कुछ होगा तो नहीं ना वैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको मैंने तोड़ दिया, इसको तोड़ने पे कोई दिक्कत नहीं रही। अब देखो अब तुम लोग देख पा रहे हो एकदम टेढ़ा हो गया भाई, मतलब टेढ़ा फैल गया है। यार कोई नहीं, ये भी अच्छा लग रहा है। इसको मैं यहाँ से कवर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे को उसको तोड़ना पड़ेगा। तो मैं उसको तोड़ देता हूँ, उसको नहीं वहाँ से तोड़ सकता। गाइस जितना भी मेरे पास वुड है ना, मैं सारा का सारा वुड लगाने वाला हूँ। मतलब वुड तो बहुत सारा है हमारे पास, भर भर के है। देखो यहाँ पे इतना खाली रहेगा बस। इतने में मैं कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इधर ही लगा दूंगा उसकी फोटो जो है, वो जो मूर्ति थी ना उसको यहीं लगा दूंगा, यहाँ रहेगा बीचों बीच। इधर बनाऊँ कहाँ? एकदम बीच में बनाता हूँ देखो यहाँ से। तो गाइस यार अभी मैं ये स्टोन को तोड़ रहा हूँ भाई, क्योंकि ये मेरे बेस के बीच में आ रहा हूँ, मैं लकड़ी लगा नहीं पा रहा बिल्कुल भी। तो इसको पूरे को तोड़ना पड़ेगा मेरे को, लेवल बढ़ाने के लिए यार इतना कुछ करना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि मैं न्यू पाल बॉक्स नहीं लगा सकता। बाकी तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे क्या क्या करना चाहिए यार इसमें। ओके तो गाइस यार मेरा यहाँ पे जो है पूरी गेम क्रैश हो गई थी, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी मेरे को सामने वाला पत्थर भी तोड़ना पड़ेगा, या तो किसी पोकेमोन को लगाना पड़ेगा काम पे। भाई लकड़ियाँ भी खत्म नहीं हो रही, इतनी लकड़ियाँ और इतना स्टोन हो चुका है ना मेरे पास। ओके तो मैं इसको तोड़ता हूँ फटाफट। अबे यार यहाँ से उठाना भी पड़ेगा सामान को, ये अलग दिक्कत है भाई इसकी, बताऊँ सच बताऊँ तो भाई। मैं सारा सामान उठा लिया यहाँ पे मैंने, एंड अब मैं इसको बिल्ड कर सकता हूँ बड़े आराम से। मतलब मैंने पूरा बिल्ड कर दिया था, मेरे को दोबारा से तोड़ तोड़ के बिल्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई चीज़ें इतनी ख़राब हो रही हैं। इसको भी तोड़ना ही पड़ेगा, तो पहले ही तोड़ देता हूँ मैं, एंड सामने वाले को भी तोड़ ही देता हूँ यार, अब क्या ही करूँ। तो अब मैं बनाता हूँ इसको अच्छे से प्रॉपर ऐसे करके, एकदम सीधा सीधा बेस बना रहा हूँ मैं। तो ओके गुड मॉर्निंग गाइज, यार हम लोग आ चुके हैं फाइनली भाई, सुबह हो चुकी है, एंड अपना बेस देखो यार। अभी मैं तुमको ऊपर से दिखाता हूँ अपना बेस। ओके ऊपर से आ जा, ये देखो अभी देखो अभी कितना प्यारा लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा है ना, देख रहे हो। बस ये तो है थोड़े डिज़ाइन अलग अलग लग गए हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छा लग रहा है साफ़ सुथरा। हमारा वहाँ पे माइनिंग एरिया है, वहाँ पे हमारा वो लॉगिंग साइट है, एंड हम यहाँ पे भी अभी कुछ ना कुछ तो करेंगे। देखो यहाँ पे इनका बात एरिया बना दूँ क्या? नहीं मैं बात एरिया ना सोच रहा हूँ यहाँ बना देता हूँ इनका, ये जो था इधर बना देता हूँ। यहाँ से पहले बार सामान हटाता हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे घास वगैरह आ रही है, तो मैं फटाफट यहाँ से सामान उठाता हूँ। अबे यार स्टोन आ गया मेरे पास, स्टोन ही तो दिक्कत देता है ये। वो देखो ये बेड वाला एरिया कितना सही लग रहा है ना, वो देखो वहाँ पे जाके लेट भी गया, बेड वाला एरिया एकदम मस्त लग रहा है। और ये कहाँ जा रहा है? वहाँ स्टोन तोड़ने जा रहा है, यहाँ तोड़ने है तो लेट्स गो। तो मेरे यहाँ पे स्टोन टूट चुके हैं, मेरे को क्या बनाना था? हाँ वो बनाना है इनके नहाने के लिए एरिया। तो यहाँ से फटाफट सारे स्टोन उठा लेता हूँ, लेट्स गो। चलो अभी भी नहीं हुए, अभी 15 चाहिए भाई, इतने मेरे पास ये तो रहे। और अब हो गया मेरे पास एरिया यहाँ पे, अब मैं इनका एरिया एकदम ना यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे एकदम यहाँ पे मैंने इनका एरिया बना दिया नहाने का। और इनका रेंच किधर बनाऊँ मैं? पहले मैं देखता हूँ मेरे पास अगर वुड है तो मैं इसको बनाता यहाँ पे, इसको हम करते यहाँ पे, इसको लगाते फिर से यहाँ पे। ओके तो गाइस यार मेरा यहाँ पे बन चुका है सब कुछ, इतना तो बन चुका है। मैं फटाफट से ना पहले अंडे तोड़ देता हूँ कि अंडे मेरे तोड़ने पर कौन सा पोकेमोन मिलता है। तो इनको हम लोग करते हैं होल्ड इनक्यूबेट एग, ठीक है। एफ को होल्ड करा हमने, एंड कौन सा पोकेमोन मिला ये? ओ नाइस यार, ये बिल्ली मिली है भाई। ओ भाई माऊ, इसका नाम माऊ है। लेट्स गो यार, हमारे पास माऊ आ चुका है। ओके एक और बार तोड़ते हैं। ओके तो भाई हमारे पास फॉक्स पार्क, ये तो हाँ हमारे पास था ही यार, खैर नीड भी नहीं थी मेरे को। अब मैं फटाफट चलता हूँ और अंडे लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे पास अंडे तो बहुत सारे हैं। अब मेरे को पता चल रहा है ना कि मेरा बेस कहाँ तक है भाई, पहले मतलब ना पता ही नहीं चलता था मेरे को कि मेरा बेस कहाँ तक है, क्योंकि ऐसी ढलान सी बनी पड़ी हैं। अब एकदम पूरा स्ट्रक्चर वैसा हो गया है ना प्लेन, तो अब सही भी लग रहा है मेरे को। ओके गाइस यार मेरे को ये जो स्टोन है ना इसको भी तोड़ना पड़ेगा भाई, मतलब इतना सारा काम करना पड़ेगा मेरे को। देखो मेरी जो बेस की लाइन ना वो जो ब्लू दिख रहा है ना वहाँ तक है, इसलिए मैं इतना पूरा एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ना मेरे को ना पता भी चलता रहेगा कि मेरा बेस कहाँ तक है, और मेरे को जो है ना ज़्यादा स्पेस भी मिलेगा। पहले जो थी ना मेरे को स्पेस का पता ही नहीं चलता था,
मैं कुछ भी चीज़ कहीं पे बना रहा हूँ, पर मैं एकदम एकदम अच्छे से बनाने वाला हूँ। ओके तो गाइज यार यहाँ पे मेरा सारा का सारा सामान, मतलब जो भी यहाँ पे पत्थर थे ना वो सारे के सारे टूट चुके हैं। अब मैं फटाफट से यहाँ पे लगाता हूँ। भाई यार वहाँ से पत्थर भी हटाने पड़ेंगे मेरे को। एक मिनट यार, पहले तो मैं ऐसे सारा का सारा ना पत्थर ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। ओके तो गाइज यार इतना देखो, इतना कुछ तो कम्प्लीट हो चुका है, पर अब देखो मैं ना इसको तोड़ने वाला हूँ। जो मैंने घर अभी बनाया था ना टेम्प्रेरी, इस पूरे को मैं तोड़ूंगा अब। एंड अपना बेस जो है मैं इधर की साइड बना दे रहा हूँ थोड़ा। अरे यार ऊपर भी नहीं चढ़ रहा है। तो देखो अभी मैं अपना घर जो है प्रॉपर अच्छा नहीं बना रहा हूँ, मतलब प्रॉपर तरीके से जो एकदम ना फुली जो कहते हैं ना कि ये अब वैसे वाला नहीं बना रहा हूँ, नॉर्मली मैं अभी बना रहा हूँ जैसा ही बन रहा है। ओके तो गाइस यार जो मैंने अपना बेड वाला एरिया है ना वो मैंने बनाया, ये देखो मैं इसको बना रहा हूँ अपना बेड वाला एरिया। ऊपर से बाकी लगा देता हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो लगा ही देता हूँ। हाँ ठीक है, ये रहेगा मेरा बेड वाला एरिया। ये हमारा गाइस प्रॉपर बेस बन चुका है यहाँ पे। हम लोगों ने अपने बेस को यहाँ पे बहुत कुछ सुधार दिया, अपना पूरा बेस रीबिल्ड कर दिया है। एंड वहाँ पे मैं अपना लगा देता हूँ बेड। नहीं यार कोने में अच्छा नहीं लगेगा, मैं अपना बेड यहीं लगा देता हूँ जैसे कि मैंने वहाँ पे बनाया बेड। ओके बेड को लगाऊंगा ऐसे, ठीक है। अपने दोनों साइड में ना प्लांट्स लगा दूंगा। ओके तो मैंने अपना यहाँ पे बेस बना दिया है, मैं टॉर्च। तो गाइस मैंने अपना यहाँ पे बेड बना दिया है, मैं यहाँ पे अपने टॉर्च बना रहा हूँ क्योंकि टॉर्च होना भी जरूरी है बेड के पास। इसको तो मैं ही बना दूंगा यार, पर ये लोग क्यों आ रहे हैं काम करने के लिए, मैं बना दूंगा भाई। ओके भाई तो यहाँ पे टॉर्च बन चुकी है, इसको अगर मैं जलाऊंगा तो ऐसे जलेगा है। नाइस यार जलेगा तो नहीं मेरा घर, मेरे को लग रहा है कहीं जल वल जाए, ऐसा लग रहा है भाई मेरे को तो। तो अब मैं अपने बेड के साइड में यहाँ पे लगाने वाला हूँ प्लांट्स, क्योंकि भाई मेरे को ज़रूरत है भाई, मेरे को मज़ा आता है, अच्छे लगते हैं भाई। ठीक है तो यहाँ पे बनाता हूँ इसको फटाफट से, उधर की साइड पर भी लगाऊंगा। बाकी मेरा बेड यार कुछ ज़्यादा आगे नहीं है यार। गाइस देखो यार ये एरिया भी पूरा मेरा है, पर यार यहाँ पे होने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि देखो इतना यहाँ पे ऊपर नीचे का पूरा वो है ना, मतलब क्या ही बताऊँ, यहाँ पे कुछ लग ही नहीं पाएगा। बाकी गाइस यार देखो यहाँ पे पूरा का पूरा सब कुछ एकदम काम जो मेरे को करना था वो सारा का सारा हो चुका है। अभी मैं इसके साइड में थोड़ा फायर कैंप बना लेता हूँ, कैंप फायर मतलब जिसको बोलते हैं जिसमें हम लोग खाना पकाएंगे अपना। तो कैंप फायर को मैं बना लेता हूँ इसके ऊपर। डन भाई, इसके ऊपर बना लेता हूँ सिंपल भाई, पूरे बीच में एकदम रोशनी रहेगी। एडम मेरे को क्या करना है मैं ये चीज़ देख लेता हूँ। सबका एकदम बेड भी हो चुका है, वो जो अंडे रखने वाले थे ना, अंडे रखने वाले जो वो बना लेता हूँ मैं। ओके तो जो मैं अंडे जिसमें रखते हैं उसको बनाता हूँ मैं फटाफट से। ये रहा अंडे रखने वाला, एंड इसको हम बनाएंगे यहाँ पे एक भाई, यहीं से मैं उठाऊंगा अंडे और यहाँ पे रखते जाऊँगा, सिंपल चीज़ रहेगी अपनी। तो ओके गाइस यार देखो सब चीज़ हमारी परफेक्ट हो चुकी है, वहाँ पे हमारा बेड बन चुका है, उसके साइड में हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे सारी की सारी चीज़ें बन चुकी हैं। अब ये पूरा एरिया हमको अच्छे से विजिबल, मतलब पूरा एरिया हमको अच्छे से दिख पा रहा है कि कितनी हमारी जगह है, और यहाँ पे हर एक चीज़ लगा दी मैंने परफेक्ट तरीके से ताकि मेरे को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। अभी इसको अगर मैं पीछे लगा दूंगा ना तो और जगह बन जाएगी हमारी, तो इसको मैं लगा ही देता हूँ ना पीछे। मैं सोच रहा हूँ इसको पीछे ही लगा दूँ, इसको लगा देता हूँ मैं इधर, ये दिखाई नहीं देगा फिर इनका बाथरूम। या तो इसको बाथरूम को यहाँ पे हटा के क्रशर को मेरे को इधर लगाना पड़ेगा। ओके तो गाइज यार आज की वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने इतना कुछ बना दिया, अपने बेस को पूरे को अपग्रेड कर दिया, छोटा सा अपग्रेड करा है। पर यार तुम लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ मेरे को कि इसमें और क्या क्या चीज़ मेरे को करनी चाहिए, मतलब मैं क्या क्या करूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मेरे को कौन से पहल को पकड़ना चाहिए। तुम लोग फटाफट से कमेंट करके बताओ, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। एंड इस वीडियो पे फटाफट से 20 लाइक्स कंप्लीट करा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप तुमको मजा आएगा, नहीं मजा आया तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।